गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो देख रहे हैं जमशेदपुर का मौसम कितना ज़बरदस्त है, बारिश कल रात से जो हो रही है कंटिन्यू हल्का हल्का, वो अभी तक हो ही रही है और होना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश नहीं हो रही थी और काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। बारिश होता था लेकिन 10 मिनट 15 मिनट और फिर इसके बाद फिर से धूप निकल आता था। तो वैसे ही अभी हम घर से निकले हैं ऐसी बारिश का मज़ा लेने के लिए, तो अपने इस गाड़ी पे निकले हैं एक्टिवा पे। मौसम ज़बरदस्त है, चारों तरफ पूरा पानी ही पानी है, हरियाली है, अच्छा लग रहा है देखकर। मौसम भी ठंडा हो गया है, ऐसे में घूमने में और भी अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में गाड़ी चलाने में हल्का, धीरे 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 ड्राइविंग करने में धीरे धीरे, और भी जहाँ पर हरियाली हो थोड़ा बारिश होते रहे और बढ़िया लगता है देखने में। मेरे पीछे देख सकते हैं कि गाड़ी सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, गाड़ी सब आ रही है, जैसे सब ऑफिस जाने वाले हैं, ऑफिस आने वाले हैं सब लोग। और वैसे भी आज यहाँ पर कोई वॉकिंग करने आया नहीं है, वैसे यहाँ अमूमन हर रोज़ सब वॉकिंग करने आते हैं इतने टाइम पे, लेकिन बारिश होने के कारण कोई नहीं आया है, खाली है। अब तोता की आवाज़ सुन सकते हैं, तोता, बाकी चिड़िया सबका आवाज़। आज मैं आपको दिखलाऊंगा मैं अपने बाल जो भी बचे कुचे हैं, वैसे बाल तो है नहीं सर में, जो भी बचे कुचे बाल हैं जो भी होते हैं उसको मैं कैसे सेव करता हूँ, खुद से सेव करता हूँ, क्योंकि बाल तो है नहीं, और बाल है नहीं तो बाल रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। उस कारण मैं तो बाहर नहीं जाता हूँ, खुद सैलून जाता नहीं, खुद से ही अपना बाल ट्रिमर से सेव कर लेता हूँ भाई। तो फिर आज का वीडियो में आज यही देखेंगे हम लोग कि मैं अपना बाल खुद से ट्रिम कैसे करता हूँ, ट्रिम मतलब क्लीन शेव। और फाइनली मेरा बाल पूरा शेव हो गया। इस फिलिप्स के ट्रिमर से मैं करता हूँ, फिलिप्स तीन नंबर में रख कर पूरा बाल को शेव किया हूँ। वैसे 2, 1 या 0 में भी करके रखते कर सकते हैं, और उसमें करते भी हैं जब मन करता है 2 में या 1 में या 0 में करके। वैसे आज 3 नंबर में रख कर पूरा शेव किए हैं, फाइनली मेरा पूरा शेव हो गया। अब जाकर इसको बाल को थोड़ा धो लेना है, नहा लेना है, मतलब बहुत दिन से नहीं किए थे, करीब 1 महीना 1.5 महीना हो गया था, बड़ा बड़ा हो गया था, अजीब दिख रहा था, साइड साइड में बाल, बीच में खाली, तो उसका तो कुछ ना कुछ उपाय निकालना है ना, ग्राफ्टिंग तो करवाएंगे नहीं, और जब सारे बाल नहीं है तो उसको नहीं रखना, थोड़ा भी नहीं रखना, पूरा चिकना रखना, पूरा शेव रखना, क्लीन शेव, शेव हेड, हेड शेव। तो लेट्स स्टार्ट द फाइनली शेव भी हो गया, क्लीन भी हो गया, और
इसको अच्छे से वॉश भी कर लिया। अब पहले ऐसा नहीं लग रहा है, साइड में बड़ा बड़ा, बीच में खाली, अब लग रहा है एकदम चिकना और क्लीन शेव। ऐसे ही हम तो हमेशा ऐसे ही रखते हैं, कभी भी, जब से मेरा बाल ऐसा हुआ है, झड़ना झड़ गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले मेरा बाल इतना घना था कि अगर किसी का हाथ भी डालो तो हाथ छुप जाता था, लेकिन पिछले 10 साल से कुछ कारण से बाल झड़ गया, दवाई ववाई के बहुत सारे डॉक्टर को दिखना, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक तरह का फैशन है, ये भी एक तरह का स्टाइल है। अब आजकल के ज़माने में सब तो ग्राफ्ट करवा लेते, लेकिन मेरे को नहीं करवाना है, मेरे को बस ऐसे ही रहना है। जिसको अच्छा लगे ठीक है, जिसको ख़राब लगे वो भी ठीक है, पर मेरे को तो ठीक लगता है उसमें। कल तो आप लोग जैसे देखे हैं, हेड बाल अपना शेव कर लिए हम, और उसी वीडियो को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इधर आए हुए हैं, थोड़ा एक जगह आए हुए हैं, यहाँ कुछ काम है, तो उसी के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। सोचा कि आप लोग को इधर का थोड़ा लोकेशन दिखा दे। हाँ, हम लोग को दिखा नहीं, बच्चे लोग आँख तेज है ना, दादू हल चला रहा है। हाँ, ये देखिए इधर का लोकेशन है, ये ये इधर का लोकेशन है, ये पहाड़ है, पूरा खेत है। हाँ, हो गया, आ रहा। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, फार्म जाना है। ये गांव का घर है, चलो। आज शाम बारिश हुई है, लेकिन 10 मिनट होकर रुक गई है, उसके बाद इतना गर्मी पड़ रहा है, उमस इतना ज़्यादा हो गया है कि घर में रहा नहीं जाता। तो अभी घर से बाहर निकले हैं थोड़ा हवा खाने के लिए, लेकिन हवा भी नहीं चल रहा है और काफ़ी उमस वाला गर्मी है। इधर में तो कुछ दिन से यही हो रहा है, बारिश हो रहा है 10 मिनट, और पूरा उमस वाला गर्मी हो रहा है। यहाँ तो फिलहाल बारिश भी हो रहा है, और कहीं कहीं तो बारिश भी नहीं हो रहा, और पूरा गर्मी ही गर्मी है। फिर भी मौसम अभी खुशगवार है। डिलीट मार दिया जा, तेरा मोबाइल नहीं है रे, तेरा मोबाइल है ना। मिलते हैं फिर दूसरा दिन, फिर किसी और में, जो कोई दूसरा वीडियो, फिर कुछ नया क्या बनाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या बनेगा। तब तक के लिए इंतज़ार करिए।